पहले एनआईए की रेड और अब जिला प्रशासन ने गैंगस्टरों के ठिकाने पर बुलडोजर चला क्राइम के नेक्सस को नेस्तनाबूद करने की तैयारी शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच ने भारी बारिश के बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खासमखास गैंगस्टर सूबे गुज्जर और अजय जेलदार के ठिकानों को ध्वस्त कर कड़ा संदेश दिया है। दरअसल जिला प्रशासन गैंगस्टरों की अवैध तरीकों से अर्जित की गई प्रॉपर्टी की डिटेल खंगाल उसे जमींदोज करने की दिशा में काम कर रही है। इस मामले में डीटीपी मानेसर ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने गैंगस्टर सूबे गुज्जर की इस प्रॉपर्टी की पहचान की थी जिसे अवैध तौर पर बनाया गया था, जिसके बाद प्रॉपर्टी ओनर को नोटिस जारी कर उसे प्रॉपर्टी खाली करने के लिए कहा गया और बीते कल से ही इस प्रॉपर्टी को जमींदोज करने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वहीं लॉरेंस के एक और गुर्गे पटौदी के खोड़ गांव के अजय जेलदार के ठिकानों को भी जमींदोज किया गया है और ऐसे तमाम गैंगस्टरों की लिस्ट बनाकर सिलसिलेवार तरीके से सभी पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ये एक अनऑथराइज्ड बिल्डिंग थी जी, जो बिना नक्शे पास हुए बनाई हुई थी, तो वो निगम ने इसको डिमोलिश किया है बिकॉज ये अनऑथराइज्ड थी। किसकी प्रॉपर्टी थी? गांव में से किसी की थी जी, ओनरशिप वेरीफाई कर ली गई थी। नाम परिवार का ये कहना है कि उन्हें पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। दूसरी बात, उनका ये भी आरोप है कि नगर निगम जो है वो अब बना है, बिल्डिंग जो है 2012 की बनी हुई है। नोटिस दिए हुए हैं जी, बिल्कुल नोटिस दिए हुए हैं और अनऑथराइज तो अनऑथराइज ही है। वहीं आपको बता दें, इस मामले में गैंगस्टर सूबे गुज्जर के परिजनों ने जिला प्रशासन पर इस कार्रवाई को गैर कानूनी बता किसी भी तरह के नोटिस मिलने से इनकार किया है, जिसके चलते सूबे गुज्जर के परिजनों ने कोर्ट जाने की बात कही। नहीं नहीं, कुछ नहीं दी गई। मैंने इनसे पूछा कि क्यों तोड़, कोई कुछ वजह तो होगी इसकी, इन्होंने कुछ नहीं बताया। मैं नोटिस, तुम्हारे नोटिस आया, मैं हमारे पास नोटिस नहीं आया, तो नोटिस आया आप दिखा दो, इन्होंने कुछ नहीं दिखाया तो मेरी जमीन को तोड़ने लग गए। ये कह रहे हैं कि कब्जे की प्रॉपर्टी है इन्होंने, मैं हमसे कुछ नहीं है, दादा लाई है। कितने परिवार यहाँ पे इस टाइम यहाँ रहते हैं? क्या अकेले सूबे रहते हैं, बाकी परिवार भी रहते हैं यहाँ? नहीं, यहाँ तो हम सारे परिवार रहते हैं। इससे पहले कभी पुलिस आई थी कोई नोटिस देने या कोई बातचीत करने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो अब क्या करने वाले, क्या कहेंगे आप जिला प्रशासन से? केस तो करेंगे, अब दिख रहा नहीं है, आपके सामने है सारा। पता नहीं हमको, तो एक बार सारा प्रशासन अभी आया था, जब पता पड़ा प्रशासन कोटी तोड़ने आया। और बकायदा जो ये प्रॉपर्टी है, ये हमारे दादा तीन भाई है, तो एक दादा के हमें, एक दादा सुबह, एक दादा और बड़े वाले, ये लड़की मिंटू रही, तो तीनों के नाम खाता सामला था भी। और ये सर लाल डोरा में तोड़ने को हक ही नहीं पड़ता। अगर सूबे के हक में इससे में मेरे साथ कम, अगर हम कंपेरिजन करें तो मुश्किल से 100 गज आएगी। 100 गज कहीं तोड़ लो आप, फिर नोटिस ना, सर ना कोई नोटिस आया ना कोई बात ही, नोटिस देता पहले हमको बताते भाई हम तोड़ रहे हैं। चलो सूबे की तोड़ रहे हो, फिर कम से कम फन कर रहा था कि हम प्रॉपर्टी तोड़ना, हमारा तो हिस्सा है। नहीं, सूबे गुजर की प्रॉपर्टी है, सूबे गुजर का हिस्सा है इसमें भी, मानते हम, पर हमारा भी तो हिस्सा है, हम कहां जाएंगे? जिला प्रशासन कह रहा है कि कब्जे की जमीन है, तो कब्जे की कोई कब्जे से दादा लाई सर, डॉक्यूमेंट हमसे बोलते, हम डॉक्यूमेंट दिखाते सर ना, सर कोई ऑन रिकॉर्ड, रिकॉर्ड चेक करो, हम कल केस डालेंगे हाई कोर्ट। हम तो नहीं, तो आपसे पूछा नहीं कि कोई नहीं सर, कोई नहीं पूछा, कोई नोटिस नहीं, चल नोटिस देना सुबह दो, हमारा देना कम से कम, हमारी जमीन है। तो कब आपको पता लगा कि सर अभी 10 मिनट पहले जब ये तोड़ने लग गए, जब पता लगा है? इससे पहले कोई आया आपके? कोई नहीं है सर, ना कोई नोटिस हमारे पास, कोई नोटिस पहुंचा नहीं, रास्ते में कहीं पे हो कहीं पहुंचा, हमारे पास कोई नोटिस नहीं, ना कोई प्रशासन से तरफ से कोई आया, ना कोई हमने इन्फॉर्मेशन दिया कि हम ये करेंगे कार्रवाई करेंगे, कुछ नहीं सर, आए सीधा बस बुलडोजर आए चला दिया बस। ये जो जमीन है जहाँ तोड़फोड़ की, क्या अकेले हमारे सब की है? हमारे सब की है, दादा लाइए सर हमारी। कितने परिवार रहते हैं, कितने परिवारों की हिस्सा होगा इसमें? 10 हिस्से इसमें, कम से कम 10, क्यों कम से कम 15 से 20 हिस्से इसमें सर। बहरहाल यूपी के गैंगस्टरों पर कड़ी कार्रवाई के बाद हरियाणा के गैंगस्टर्स पर भी जिला प्रशासन की कड़ी कार्रवाई जारी है। पंजाब के सी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।